आवाज बताइए, क्या मेरा आवाज आप सभी तक पहुंच रहा है? आवाज बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी थंबनेल देख रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आज से क्लास का शुरुआत हो रहा है और आज से टॉपिक वाइज जितने भी संभावित प्रश्न पिछले क्लास में पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में जितने पूछे जाने की जो संभावना है उससे रिलेटेड प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो समय को ना जया करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त का छोटा सा एक प्यारा सा डिफिनेशन हम लिखे हुए हैं, देखिएगा। वृत्त क्या है, जैसे जो गोलाकार चीज होता है उसे वृत्त कहा जाता है। 2D में, 3D में नहीं, 3D में जाएंगे तो वो गोला बन जाएगा। यहां पे चूड़ी के आकार का जो शेप होता है उसे वृत्त के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है। तो वृत्त का एक डिफिनेशन हम दिए हैं। वृत्त क्या है समझ लीजिएगा, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक निश्चित बिंदु कल्पना कीजिए, एक निश्चित बिंदु मान लीजिए हो गया निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, इस बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए समान दूरी पर यहां बिंदु ले रहे हैं, समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को, बिंदुओं के समुच्चय से बने आकृति को हम वृत्त कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु को कल्पना कीजिए और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए जितना डिस्टेंस ले रहे हैं इतना ही डिस्टेंस पर एक और बिंदु कल्पना कीजिए, इतना ही डिस्टेंस पर एक और बिंदु कल्पना कीजिए, इतना ही डिस्टेंस पर एक और बिंदु कल्पना कीजिए, ऐसे आप करते जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है और इन बिंदुओं के समुच्चय से, इसको मिलाने से, इसके समूहन करने से, मिलाने से जो आकृति का निर्माण होगा उसे ही हम वृत्त कहेंगे। तो वृत्त का डिफिनेशन आपको समझ में एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से, मैंने बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वृत्त का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से बने आकृति को हम वृत्त कहते हैं। अब और चीजें इसमें क्या आती है, अब थोड़ा उसके बारे में समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका वृत्त है, अब आपको डायरेक्ट हम फिगर दिखा रहे हैं, यह क्या है जी, वृत्त है। तो हमने कहा निश्चित बिंदु के चारों ओर, निश्चित बिंदु यहां है, निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर ये बिंदुओं के समुच्चय से जो वक्र रेखा बना है और जो गोलाकार रेखा बना है, गोलाकार वक्रीय रेखा बना है, इससे हम लोग अब वृत्त का पता चला है। अब जो निश्चित बिंदु होता है उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र, जो ये निश्चित बिंदु है इसे बोलते हैं हम वृत्त का केंद्र। ये बात स्पष्ट कीजिएगा, क्या बोलते हैं निश्चित बिंदु को, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और देखिए, जो एक गोलाकार घेरा बना है, जो एक गोलाकार घेरा आप देख रहे हैं, ठीक ना, बिंदुओं के समुच्चय से जो एक गोलाकार घेरा बना है इसे बोलते हैं वृत्त का परिधि। ये सब समझना आपको लिए बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा वृत्त का हम परिचय दे रहे हैं आपको, संक्षेप में बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन आपको एकदम 100% पूरी तरह से स्पष्ट होगा। ठीक है, तो जो निश्चित जो घेरा देख रहे हैं वृत्त का, जो यहाँ पे निश्चित बिंदु के चारों ओर, तो निश्चित बिंदु को वृत्त को वृत्त का केंद्र कह दिया गया। आज जो वृत्त के केंद्र के चारों ओर जो घेरा देख रहे हैं इसको बोलते हैं वृत्त का परिधि कहिए या परिमाप कहिए, एक ही बात है सर। कोई वृत्त का परिधि कहता है, कोई वृत्त का परिमाप कहता है, आना चाहिए समझ के, समझ में आना चाहिए। जो अगर वृत्त का परिधि निकालने का बात आएगा तो दिमाग में एकदम स्पष्ट ढंग से आ जाना चाहिए, ये परिधि मतलब जो निश्चित बिंदु के चारों जो घेरा है उसका लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। वृत्त का परिधि ज्ञात करें, यानी कि इसका लंबाई ज्ञात करें, जो घेरा देख रहे हैं इसका लंबाई ज्ञात करें, स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, ये निश्चित बिंदु से, और अब इसको हम परिधि बोल सकते हैं क्योंकि इसका नामकरण हमने रख दिया, कह दिया कि वृत्त का परिधि है, घेरा परिधि है, वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र और परिधि के जो बीच की दूरी होती है इसे बोलते हैं त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसे हम R से सूचित करेंगे। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और आगे जुड़ी हुई बातें हम लिए हैं टॉपिक में, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वृत्त से संबंधित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, जो यहां वृत्त बनेगा इसका जो निश्चित बिंदु होगा, यहां जो निश्चित बिंदु होगा इसे कहेंगे हम वृत्त का
केंद्र, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी बात को लिखा गया, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। आगे, बिंदुओं के समुच्चय से बने घेरा को, बिंदुओं के समुच्चय से बने जो घेरा है, इसको जो घेरा आप देख पा रहे हैं, यह जो घेरा है, इस घेरा को क्या कहते हैं, घेरा को वृत्त का परिधि कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं, परिधि या परिमाप कहते हैं, वृत्त का परिधि या परिमाप कहते हैं। स्पष्ट ढंग से जो केंद्र होगा, जो निश्चित बिंदु होगा केंद्र कहेंगे, चारों तरफ जो वृत्ताकार घेरा बना है, जो घेरा बना है, जो गोलाकार घेरा बना है, उसे वृत्त का परिधि कहेंगे। आगे बढ़िए सर, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। आपको स्पष्ट होना चाहिए एकदम, वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का त्रिज्या कहेंगे, जिसे आर से सूचित किया जाएगा, ठीक ना। वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाएगा, स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। आगे, वृत्त के त्रिज्या के दोगुनी दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं, वृत्त के त्रिज्या के दोगुनी दूरी, ये आपका हो गया वृत्त, यहां हो गया इसका सेंटर, ये हो गया आपका त्रिज्या जिसको आर, अब त्रिज्या का दोगुनी दूरी, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल कब होगा, जब यहां से आप यहां तक आ जाएंगे, ये हो गया आर। तो बात समझने का, स्पष्ट समझने का कोशिश कीजिएगा, त्रिज्या का दोगुना दूरी, बाकी किसी का नहीं बात कर रहे हैं, त्रिज्या का डबल, तो त्रिज्या का डबल कब होगा, हम जानते हैं केंद्र से आप परिधि के बीच की दूरी कहीं भी खींचेंगे सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो इस त्रिज्या का दुगुनी दूरी निकालना होगा, त्रिज्या का दुगुनी, तो एक तरफ जो इधर खींचे हैं ऐसा इधर खींच दीजिए, तो इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास, वृत्त का क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, दुगुनी दूरी को वृत्त का व्यास, इसे डी से सूचित किया जाता है, तो आप कह सकते हैं यहां से यहां तक का लंबाई कितना होगा, डी होगा। अब यहां से एक दोनों वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के व्यास में एक बेहतरीन संबंध देखने को मिल रहा है, और आप देखने का प्रयास कीजिए कि डी जो बराबर है, यहां से यहां तक जो डी कहा गया है वह आर प्लस आर के बराबर है, यानी कि डी बराबर हमको मिलेगा आर, आर कितना जी, टू आर मिलेगा, ठीक है, D बराबर कितना हो जाएगा, 2R। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, और यहां से एक और बात कह सकते हैं, जब दो को आप इधर भेजिएगा तो R बराबर आपको मिल जाएगा D बटा 2, जो वृत्त का त्रिज्या होता है वो वृत्त का व्यास के आधा के बराबर होता है, वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो व्यास के आधा, तो ये फॉर्मूला आपको लिखा गया, डी बराबर 2R, R बराबर D बाई 2, अगर आपको व्यास दिया रहे, त्रिज्या निकालना हो तो उसका आधा कर दीजिए, अगर त्रिज्या दिया हो, व्यास निकालना हो तो उसका डबल कर दीजिए, स्पष्ट ढंग से निकल के सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको सूत्र पर ले आते हैं, वृत्त का परिधि, बार बार हम कह रहे हैं वृत्त का परिधि कौन है, तो ये हो गया केंद्र, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये जो घेरा है ये हो गया परिधि, तो वृत्त का परिधि अगर निकालना होगा, ठीक ना, ये बात आप स्पष्ट रखिएगा, जो परिधि होता है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है, अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो सर परिधि भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा तो परिधि भी क्या होगा, घटेगा, तो परिधि सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है किसी पर, तो वह है वृत्त का त्रिज्या, अगर त्रिज्या आपको पता है तो हम खूब अच्छे से इसका परिधि निकाल देंगे, उसके लिए सूत्र है 2πr या पाई डी, इसको समझाते हैं, वृत्त का परिधि या परिमाप, इस घेरा का लंबाई निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है 2πr, पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान 22 बटा कितना होता है, 7 होता है, पाई का मान 22 बटा 7 या पाई का मान एक और होता है 3.14, तो जब तक क्वेश्चन में 3.14 रखने को ना कहेगा तब तक आप पाई का मान 22 बटा 7 स्वतंत्रता पूर्वक लीजिएगा, रखिएगा और हल कीजिएगा। आगे, हम जानते हैं कि एक और सूत्र लिख रहा है पाई इंटू डी, या व्यास की स्थिति में अगर व्यास दिया रहे तो परिधि का सूत्र ही होता है, कैसे बना है आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, 2πr देख रहे हैं तो आप पाई को अलग लिखिए और गुणे 2 और r लिख दीजिए एकदम आराम से, तो अभी अभी जस्ट पिछले स्लाइड पर आप समझे हैं ये क्या होता है, d बराबर में कितना होता है 2r, तो आप इस 2r के बदले क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, तो पाई में d से क्या हो जाएगा जी, पाई d हो जाएगा, तो इस तरह से समझ सकते हैं, जब वृत्त का परिधि अगर निकालना हो, त्रिज्या दिया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको क्या दिया हो, वृत्त का व्यास दिया हो तो इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से चीजों को समझते जाइए। आगे बढ़िए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अगर वृत्त बना है तो इसके अंदर कोई क्षेत्र छिपा है, सब इसका क्षेत्र है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल तो समझना है, जो घेरा बनाया है, जो गोलाकार घेरा बना है, जो परिमाप ने जो घेरा बना के रखा है, जितने क्षेत्र को अपने अंदर घेरा है वह वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, और उसको कौन से सूत्र के माध्यम से निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो दिमाग में बैठाते जाइएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आते हैं क्वेश्चन पे,
अब बात आता है अर्धवृत्त का। जब आप वृत्त को काट दीजिएगा, वृत्त को आधा पर से जब काट दीजिएगा, यहाँ आपका सेंटर है, समझिएगा हई आर है, हई आर है। जब इसको आधा पर से का कर देंगे आप, काट देंगे, यहाँ पे काट दिए तो यह का बन गया, अर्धवृत्त बन गया, एकदम आराम से अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त का अगर परिधि निकालना होगा तो जेंगना वृत्त का परिधि निकाल रहे थे कैसे, पूरा घेरा का लंबाई। तो इसमें आपको घेरा कौन सा देखने को मिल रहा है, ये आपका घेरा देखने को मिल रहा है, देखिए एकदम आराम से देखते जाइए, आपका क्या है, घेरा है, अर्धवृत्त के लिए घेरा ही है। तो इसका अगर लंबाई निकालना होगा तो आप समझिए इसका क्या होता है, 2πr, 2πr, वृत्त का परिधि 2πr। जो बीच में से आप काट दिए हैं तो इसमें दो से आप भाग करेंगे, इसका लंबाई है 2πr, 2πr, और जब दो से भाग देंगे तो यह अर्धवृत्त का परिधि निकलेगा, मतलब ये इतना खाली निकलेगा, इसका इसमें ज्वाइंट नहीं होगा, इसका ज्वाइंट नहीं है, जबकि यह भी लंबाई और घेरा के रूप में आ रहा है, आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो दो से दो कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, पाई आर। जो पाई आर है वो सिर्फ और सिर्फ इसका लंबाई है, इसका लंबाई है, न कि इसका, इसका लंबाई नहीं है। तो अगर आप अर्धवृत्त को देखते हैं तो अर्धवृत्त में इसका लंबाई के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, कितना, पाई आर। तो यहां से यहां तक लंबाई को लिखते हैं हम पाई आर, और यहां से यहां तक इसको भी जोड़ देंगे तब पूरा वृत्त अर्धवृत्त का परिधि निकलेगा। तो यहां पे कहा गया है पाई आर, देख लीजिए फॉर्मूला, पाई आर आप प्लस में है आर, आप प्लस में आर, मतलब यहां से यहां तक आए तो पाई आर दूरी चले, आप यहां से यहां तक आए आर चले, और यहां से आए तो एक और आर चले, तो पाई आर प्लस आर, यानी कि पाई आर प्लस एक बार कितना होगा, 2R। तो आप देख सकते हैं जो आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा गया है, जो अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2R, पाई आर प्लस 2R, इसी का थोड़ा सा मेकअप कर दिया गया है, तो R इंटू पाई प्लस 2। कैसे मेकअप हुआ है, तो इसमें से R कॉमन ले लीजिएगा तो आपको पाई प्लस 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि R जब कॉमन निकलेगा तो पाई प्लस 2, R इंटू पाई प्लस 2। तो या तो आप ये याद रखिए, नहीं तो ये याद रखिए, दोनों से आपका काम हो जाएगा, याद तो रखना ही पड़ेगा सवाल को बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, आगे बढ़िए सर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब आप अर्धवृत्त समझ गए हैं, अर्धवृत्त में क्या करना है, काट देना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त जब आप निकालिएगा, अर्धवृत्त के लिए निकालिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात करिएगा, ठीक ना। तो अर्धवृत्त के द्वारा कितना क्षेत्र का है घिरा हुआ है, उसका मान किस सूत्र से निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू। ई अर्धवृत्त का क्या हो गया क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ सर क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है और आप एकदम आराम से देखते जाइए, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम आपसे रोज शाम को 6 बजे आपकी और हमारी मुलाकात होती रहेगी इसी चैनल पर, और इन्हीं सब बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक और उनके उनसे जुड़ी हुई बेहतरीन संभावित क्वेश्चनों के साथ। सवाल फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है, बोल रहा है एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को बताया गया है R से सूचित किया जाता है, R बराबर 14 सेंटीमीटर, तो उसका परिधि बताइए। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिधि का सूत्र आपको जस्ट समझाए हैं हम, 2πr होता है। तो 2 का 2π का मान 22/7 और r का मान 14, तो 7 × 14 यहाँ हो जाएगा 22 × 44 और 44 × 88 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को देख के आप ही मत सोचिएगा आप क्या पढ़ा रहे हो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि देखिए सर शुरुआत हमेशा हल्के से की जाती है और आगे तक बढ़ी जाती है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे आपके दिमाग को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में बातों को डालेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन एकदम हल्का से शुरू किए हैं। घबराने की बात नहीं, चाहे BPSC पूछेगा एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, आप हम क्वेश्चन लेवल तक पहुँचेंगे, क्योंकि शुरुआत ऐसे नहीं होगा तो फिर आप आगे चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। अगला सवाल, 88 सेंटीमीटर आ चुका है, नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि होगा, तो वृत्त के व्यास को हम सूचित करते हैं डी से, कितना है 14 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है उसका परिधि, तो वृत्त का परिधि का दो को सूत्र आपको हम बताए थे जी, एक को बताए थे क्या, 2πr या पाई डी, जो व्यास दिया रहे तो इसका प्रयोग कर लीजिए, और त्रिज्या दिया हो तो इसका प्रयोग कर दीजिए, तो परिधि का हो जाएगा पाई डी, तो पाई का मान 22/7 कितना, 7, और डी का मान कितना है 14, 7 × 14 22 × 44 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यह आपका सर का होगा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, एकदम आराम से क्षेत्रफल से क्वेश्चन संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन आ गया है। आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं, एरिया ए से भी सूचित करते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर का होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा कितना होगा 7, और आर का मान 21 गुणे 21, क्योंकि दो बार 21 है तो दो बार हम लिखेंगे। 7 तिरिका कितना होगा 21, 22 तिहाई कितना होगा 66, 66 में 21 से गुणा होगा। अब आप देखिए सर गुणा कीजिए, ठीक है, 21 में 66 से आप गुणा करिए, 66 में जब आप 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा कितना, 21 में 66 से 66 में 21 से 6, 6 दुना 12, और यहाँ 6, 6 दुना 12, 6, 8, 3, 1, 1386 किधर है, तो 1386 ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है, ये आपका सर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक वृत्त का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्शन भी थोड़ा सा ये नहीं है, आंख बंद करके हम क्वेश्चन बजा रहे हैं, आप ऑप्शन को भी देखिए, ऑप्शन में आपका पाई का मान नहीं पुट करना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है वह पाई के रूप में दिया है। यहां पे जो व्यास दिया है, डी का मान दिया है, वो 1.4 सेंटीमीटर दिया है, दशमलव से परेशान होने नहीं है बिल्कुल भी। अब आर निकालिएगा तो आधा हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल ए बराबर में पाई आर स्क्वायर, ए से एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, समझना है सर। पाई का मान 22 बटा कितना 7, पाई का मान हम खुद कह रहे हैं, आप पुट कर रहे हैं, पाई का मान नहीं पुट करना है क्योंकि पाई के रूप में आपका आंसर दिया हुआ है, तो पाई के पाई रहेगा सर। और आर का मान दिया है 0.7 का स्क्वायर, यानी पाई और गुणे 0.7 का जब स्क्वायर करेंगे तो सते सते कितना हो जाएगा, दशमलव को भूल के आप इसका वर्ग कर दीजिए, सते सते 49, और दो अंक के बाद दशमलव, क्योंकि वर्ग करने पर एक अंक तो है, आप वर्ग किए हैं तो एक बार दो अंक के बाद दशमलव बैठाइए, तो एक और दो यानी कि यहां दशमलव बैठेगा तो यहां जीरो बैठा देंगे, और यहां गुणा करेंगे तो 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग टाइप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का परिधि और व्यास संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या होगी। एक वृत्त का परिधि और व्यास, दिमाग से सर सोचिएगा, वृत्त का परिधि यानी कि वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास, यहां क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल होना चाहिए, यहां व्यास नहीं, यहां पर क्षेत्रफल कर लीजिएगा, ठीक ना, वृत्त का परिधि और वृत्त का बाबू क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक, तो परिधि और क्या कहेंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल कहेंगे, तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल, तो परिधि का मान होगा 2πr, और क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उस अवस्था में वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए पाई से पाई खत्म, एक बार से एक बार खत्म, इधर बचा आर, इधर बचा दो, तो आर का मान कितना होगा 2 इकाई, ऑप्शन नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में पड़ा हुआ है 2 इकाई, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिधि कितना होगा। देखिए जब ऐसे सवाल आए तो क्षेत्रफल दिया है, जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तब तक परिधि नहीं निकलेगा, तो आप यहां पे क्या करिए, ए का मान जानते हैं सर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, तो क्षेत्रफल के जगह क्षेत्रफल का मान पुट कर दीजिए, पाई का मान 22 बटा पुट कर दीजिए, आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब यहां से सर काट पीट मचाना है, काट पीट जब मचाइएगा तो जानते हैं कितना मर्त में कटेगा, 28 मर्त में कट जाएगा 616, 22 में 28 मर्त में 616, आप छोटा छोटा भी करके काट सकते हैं। अब यहां समझिए, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा 28 गुणे 7 बराबर में आर स्क्वायर। अब आपको इसमें गुणा नहीं कर देना है क्योंकि देखिए सर इधर स्क्वायर है, वर्गमूल निकालना है, तो आप कोशिश करिए कि इसी रूप में रखें, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी होगा 28 गुणे 7 बराबर में आर। अब इसको हल करना है तो 28 को आप लिखिए 4 गुणे 7, एगो 7 तो हिले है, इसका फैक्टर तोड़िए ना, तो गुणा करके वर्गमूल निकालने के चक्कर मत रहिए, इसको फैक्टर तोड़ दीजिए और इसी में सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब आप देखिए क्या दिख रहा है,
एक चार है तो चार रूट के अंदर है तो चार पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल हो जाएगा दो, चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा दो, और दो को सात आप देख रहे हैं तो इसका एक जोड़ा बाहर आएगा, एक जोड़ा के बदले एक बाहर आएगा तो एक सात होगा, ये होगा आर का मान। तो आर का मान आपको मिला सात दुना 14 सेंटीमीटर, और जब त्रिज्या हो 14 सेंटीमीटर तो परिधि निकाल लीजिए, तो परिधि को सरगम फ्रेंस यानी सी कहते हैं, सी बराबर 2πr और 2 का 2 और पाई का मान 22 बटा में कितना 7 और आर का मान कितना होगा 14, 7 दुना हो जाएगा 14, 22 दुना 44 दुना 88 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है आपका सही उत्तर। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, आप लोग टाइप करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पहिया का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो वह दो चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्त का पहिया, अब मान लीजिए वृत्ताकार पहिया कैसा होगा जी, वृत्ताकार पहिया वृत्त के जैसा होगा, ठीक है, ये हो गया वृत्ताकार पहिया। यहां हो गया मान लीजिए सड़क, एक बात आप समझने का पहले प्रयास कीजिए एकदम आराम से, ये एक वृत्त जो है, एक पहिया जो है, एक चक्कर में, क्योंकि दो चक्कर में तय की गई दूरी आपसे पूछ रहा है, तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा ये पहले आप दिमाग से सोचिए। तो आप जो साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसका पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करता है जितना उसका परिधि होता है, जितना इस घेरा का लंबाई होगा ना उतना ही वह एक चक्कर में दूरी तय करेगा। आप खुद से सोचने का प्रयास कीजिए, इस पहिया का यहाँ वाला भाग टच कर रहा है जमीन को और फिर यहाँ पे एक राउंड घूम के जब आएगा तब ना टच करेगा, तो एक राउंड जब घूमेगा तो वह अपने परिधि अपने घेरा के बराबर दूरी तय करेगा। तो आज के बाद ये बात दिमाग में बैठाइएगा, जो एक पहिया द्वारा तय की गई, एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होगी उसके परिधि के बराबर होगी, यानी उस वृत्ताकार पहिया का जो परिधि होगा उतना ही एक चक्कर में वो दूरी तय करेगा। स्पष्ट बात बुझा गया, तो ये हमको दिमाग में आ गया है बात कि अगर पहिया एक चक्कर लगा रहा है तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय कर रहा है, कितना के बराबर, तो एक चक्कर में उसका परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो दो चक्कर में दो से गुणा कर दीजिएगा उतना दूरी निकल जाएगा। तो अब चलिए सर निकालते हैं वृत्त का, जो वृत्ताकार पहिया है उसका निकालते हैं हम परिधि, आप परिधि जो निकलेगा वह पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा, और एक चक्कर में तय की गई दूरी जब निकल जाएगा तो दो से गुणा कर देंगे तो दो चक्कर में तय की गई दूरी निकल के सामने आ जाएगा। तो यहां कह रहे हैं वृत्ताकार पहिया का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी डी का मान है आपका कितना 21 सेंटीमीटर। जब आपके पास व्यास दिया हो तो परिधि यानी सरगम फ्रेंस सी निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई इंटू में डी, पाई इंटू में कितना डी, पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है और डी का मान होता है 21, 7 3 21 यानी 22 3 कितना हो जाएगा 66, एकदम आराम से। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, उतना ही होगा जितना वृत्त का सर का होगा परिधि होगा। एक मिनट भागो नहीं, कितना होगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा वो परिधि के बराबर होगा, तब परिधि कितना आया है 66, तो यहां लिख दीजिए कितना 66। तो दो चक्कर में आपसे पूछ रहा है कि दो चक्कर में तय की गई दूरी होगा, तय की गई जो दूरी होगा वह 66 × 2 होगा और 66 में 2 से गुणा करेंगे तो 132 सेंटीमीटर होगा। तो दो चक्कर में पहिया 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक वृत्ताकार पहिया 5 चक्कर में 660 मीटर की दूरी तय करती है तो वृत्ताकार पहिया का व्यास कितना होगा, पहले त्रिज्या निकालिए तब व्यास निकल जाएगा, और भी तरीका है समझने का प्रयास कीजिए। अब अभी अब आप समझे हैं जो एक चक्कर में तय की गई दूरी, लिखते हैं सर एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर होगा पहिया का परिधि, पहिया का परिधि, क्योंकि परिधि के बराबर क्या करेगा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिया के, पहिया का जितना परिधि होगा उतना ही दूरी तय करेगा। अब समझिए 5 चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो यहां देखिए सर समझने का प्रयास, चूंकि 5 चक्कर बराबर कितना हो रहा है 660 मीटर, तो आप एक चक्कर का तो खूब आराम से निकाल सकते हैं,
खूब आराम से निकाल सकते हैं। 660 में 5 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा, बात समझिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई कितना होगा, एक बचेगा 16, 5 तिहाई 15 और 5 दुना 10, यानी कि 132 मीटर वो क्या करेगा, एक चक्कर में तय की हुई दूरी करेगा, दूरी तय करेगा। 5 चक्कर में 660 मीटर चलता है तो एक चक्कर में 132 मीटर चलेगा, और एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिया का परिधि होगा। तो इस 132 को पहिया के परिधि 2πr के हम बराबर कर देंगे एकदम आराम से, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी आया है, या जो दूरी होगा यह किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा। अब यहाँ से हल कर दीजिए, 2πr ना लिखे आपसे व्यास पूछा है तो π×d कर दीजिए। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिया के व्यास, पहिया के परिधि के बराबर होगा, तो पहिया के परिधि का सूत्र का होता है π×d व्यास के रूप में, क्योंकि यहाँ व्यास आपसे पूछ रहा है, इसी रूप में हम लिख देते हैं। अब देखिए 132 आप बराबर में पाई का मान 22/ कितना होगा 7 और गुणे कितना होगा डी। अब देखिए सर 22 से कटा दीजिए, कितना मर्त में कटेगा, 22 छक्के हो जाएगा 132 और 7 को जब इधर भेजिएगा तो 7 छक कितना होगा 42 सेंटीमीटर बराबर में डी। अब यहाँ से आप कह सकते हैं जो वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास है वो कितना है 42 मीटर है, मीटर है सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। बढ़िया सवाल है सर, वृत्त के अंदर एक वर्ग है। अब धीरे 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 हम क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे आप। ये वृत्त के अंदर एक वर्ग हो गया, इसके बारे में आप सोचने समझने का कोशिश कीजिएगा, यह वृत्त के अंदर एक है वर्ग है। तो 8 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या है तो यहाँ होगा केंद्र, यहाँ से आप इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर एकदम आराम से। अब वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का अगर भुजा पता चल जाएगा तो हम क्षेत्रफल आराम से निकाल देंगे। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो यह वृत्त का किससे काम करेगा, व्यास से काम करेगा। तो हई है 8 तो हई हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर एकदम आराम से। आप जानते हैं कि वर्ग का भुजा, प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हई उसको भुजा को एक्स मान लेते हैं, हई हो एक्स। अगर x² निकल जाएगा, वर्ग का भुजा निकल जाएगा तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका वर्ग कर देंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर। तो अगर भुजा x निकल जाएगा तब आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी भुजा हम क्या मान के चल रहे हैं x, तो x का स्क्वायर। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे हम निकाल रहे हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ एक बन गया समकोण त्रिभुज में आप लगाइए पाइथागोरस के प्रमेय, और यहाँ से यहाँ 8 है, यहाँ से यहाँ 8 है, तो पूरा कितना होगा 16। तो आप जानते हैं समकोण के सामने वाला भुजा कोण होता है, तो कोण का वर्ग यानी कि 16 का वर्ग, मत पूछना 16 कहाँ से आया है, क्योंकि 8 कितना होगा 16। कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, शेष दो भुजा x और x के वर्गों का योग के बराबर होगा। यहाँ होगा 256 कितना होगा 200 कितना होगा 216 का वर्ग होगा 256 आ एक एक्स स्क्वायर कहेंगे सर 2x² 2 से काट लेंगे 128 मर्त में 128 बराबर में x². अब आप समझने का प्रयास कीजिए x² क्या है, तो x² जो है वह वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या हो गया सर, कैसे हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल 128, इसका उत्तर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म, समझ में आया, मजा आया। x² हमको चाहिए था, वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, x² का मान निकल गया 128, तो कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। खेल खत्म, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल, एक पहिया की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितनी चक्कर लगाएगी। भाई साहब कितनी चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर में, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक पहिया है जिसका घेरा का लंबाई 2 मीटर है, घेरा का लंबाई कितना है 2 मीटर है, और यहां से 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कौ बार घूमना पड़ेगा। आप कहेंगे 5 बार,
सवाल समझिएगा, एक पहिया है जिसका लंबाई कितना, जिसका घेरा का लंबाई कितना है 2 मीटर, यानी कि परिधि है 2 मीटर। 10 मीटर दूरी तय करने के लिए समतल सड़क पर 10 मीटर दूरी तय करने के लिए कौ बार नचेगा, तो एक बार नचेगा तो पहिया अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, एक बार नचा तो 2 मीटर, दो बार नचा 4 मीटर, 3 मीटर, 3 बार नचा 6 मीटर, 4 बार नचा 8 मीटर, 5 बार नचा 10 मीटर, बात खत्म। इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं जो एक चक्कर में तय की गई दूरी भागा, माने ऐसे 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 सॉरी कुल दूरी अब बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो 10 में 2 से भाग करेंगे, 5 चक्कर में एकदम यहां से यहां तक 10 मीटर की दूरी तय कर देगा। अब उसी चीज को यहां पे समझिए, ये पहिया का त्रिज्या दिया है 0.25 मीटर, तो इसका आप परिधि निकाल दीजिए, तो परिधि निकालेंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकलेगा, 11 किलोमीटर को आप इसमें मीटर में है तो इसको मीटर बदल दीजिए, तो यह कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग लगाइए, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। आइए करते हैं, देखिए आपका दिया है त्रिज्या का मान दिया है 0.25 मीटर, ठीक है ये त्रिज्या हो गया। अब वृत्त का परिधि निकालिए, वृत्त का परिधि एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो पहिया का परिधि C का मान होगा 2πr, तो 2 का 2π का मान 22 बटा कितना होगा 7, और R का मान दिया है 0.25, ठीक है। अब इसको आप हल करते हैं तो 2 × 22 में कितना 7, और यहाँ होगा 25 में कितना हो जाएगा, इसका होता है 1/4, 0.25 का मान होगा 1/4, कैसे सुन लीजिए, 25 में क्या होगा 100, 25 का कितना 100 है, तो आप समझ सकते हैं इसका मान होगा 1/4, 2 से कटा 2 मर्त में और 2 से कटा 11 मर्त में, यानी 11/7 मीटर आ गया सर आपका का वृत्त का परिधि। तो यानी कि जो परिधि होता है वह पहिया का जो परिधि है वह एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगा। अब आप समझिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी आपको कॉन्सेप्ट हम शुरू में समझा दिए हैं, ये 2 मीटर का पहिया था, 10 मीटर चलना था, कौ चक्कर लगाएगा तो 5 चक्कर लगाएगा, यानी कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग करेंगे चक्करों की संख्या निकल जाएगा, तो कुल दूरी 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 11 एक किलोमीटर में तो होगा 1000 मीटर, तो 11 पक्का हो जाएगा, 3 जीरो आगे बढ़ जाएगा, यानी 11000 मीटर। तो अगर चक्कर निकालते हैं सर, चक्कर की संख्या, तो चक्कर जो आप निकालेंगे तो कुल दूरी कितना है 11000, अब बट्टा में कितना हो जाएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है 11/7। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, 7 नच के ऊपर जाएगा, 11 यहीं रहेगा, तो 11/3 जीरो और 7 और बट्टा में 11, 11 से 11 × 1 = 11 और 3 जीरो आके यहाँ रुकेगा, 7 में 1000 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 7000 चक्कर, ऑप्शन नंबर डी आपको समझ में 100% आना चाहिए, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पे। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, एकदम आराम से एक वृत्त की परिधि जैसे जैसे कह रहा है वैसा काम करते जाइए। वृत्त का परिधि होता है 2πr और वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r, दोनों का जो अंतर है वह आपका 37 है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तब तक क्षेत्रफल कहां से निकल जाएगा। अब यहां समझिए, इसको हल करिए, यहाँ r कॉमन आप ले लीजिएगा तो यहाँ होगा 2π का मान 22/7 और माइनस में 1 और बराबर में 37। समझने का प्रयास कीजिए, r हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 2π का मान 22/7 माइनस 1 बराबर में 37, तो r इंटू में 22 × 44 माइनस में 7 और बट्टा में 7 और बराबर में 37। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा कहेंगे सॉल्यूशन हुआ 7 में 1 से 7, 22 × 44 में 7 और यहाँ सर r गुणे करेंगे 44 में से 7 जाएगा 37 और बट्टा में 7 और बराबर में 37। इस 37 से 37 कटा, r का मान 7 होने जाएगा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आराम से। और जब त्रिज्या निकल गया तो a का मान होता है क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7 और यहाँ होगा r × r मतलब 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 7 × 14 और 7 × 15 154 सेंटीमीटर², ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए सर, जब त्रिज्या r है, जब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, जब त्रिज्या आपका कितना है जी, त्रिज्या आपका r है
तो क्षेत्रफल ए वन कह दीजिए, ए वन, ए वन पहला क्षेत्रफल, त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब जब त्रिज्या क्या हो गया जी, त्रिज्या हो गया डबल यानी कि टू आर। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे निकालेंगे ए टू पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह अब हम आर नहीं टू आर रखेंगे, तो यहाँ टू आर का स्क्वायर करना होगा, यानी कि ए टू का जो मान होगा पाई और यहाँ दो दुना कितना होगा चार आर स्क्वायर। अब थोड़ा इसको देखिएगा, ए टू बराबर में पाई आर स्क्वायर गुणे कितना होगा चार, बस समझिए पाई आर स्क्वायर बटा गुणे कितना चार, यहाँ हो जाएगा ए टू एकदम आराम से ए टू। अब बराबर पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर ए वन है, यानी कि ए वन है और गुणे कितना है चार है, तो आप देख सकते हैं जब त्रिज्या को हमने डबल किया है तो क्षेत्रफल जो है वह चार गुना हो गया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा चार गुना। जब त्रिज्या डबल करके हमने क्षेत्रफल निकाला ए टू तो पहले वाले क्षेत्रफल का चार गुना आया है, तो इसलिए कहेंगे जब वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल चार गुना हो जाएगा। अब इसी से आप दिमाग लगाइएगा, बार बार इतना हल करने की कोई जरूरत नहीं है, त्रिज्या अगर तीन गुना करेंगे तो उसका वर्ग के रूप में उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी 9 गुना हो जाएगा, अगर आप त्रिज्या को 5 गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा, इस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले परिधि कितना था C1, कितना था 2 पाई। अब आप खुद से सोचिए परिधि कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, दो गुना हो रहा है, परिधि कितना हो रहा है दो गुना, तो परिधि और त्रिज्या समान रेशियो में बढ़ता है, तो यह दो गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल हो जाएगा एकदम पक्का है कि दो उसका वर्ग होगा, दो दुना चार गुना आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए ये आपको समझ में आ गया है कि इसका एक्सप्लेन करें हम, अगर एक्सप्लेन चाहते हैं तो लिखिए, आपका कमेंट देख रहे हैं हम, एक्सप्लेन चाहते हैं तो बोलिए हम। बोलिए इसको एक्सप्लेन करें कि समझ में आ गया है। यस यस, आप सभी को गुड इवनिंग। यस सर, एक्सप्लेन करें। चलिए बहुत अच्छा, यस एक्सप्लेन। देखिए इसका वृत्त का परिधि कितना है, तो परिधि पहले परिधि कितना था 2 पाई, परिधि कितना है 2 पाई, तो आप सोचिए इसको पहले के लिए हम C1 का प्रयोग कर देते हैं, और सी का फॉर्मूला होता है 2 पाई, तब यहाँ पे हम R1 लिखेंगे, आप बराबर में क्या करेंगे 2 पाई, एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो R1 का मान आपको कितना मिला 1, एकदम आराम से। आगे का रहा, आगे का हो रहा है 2 पाई से बढ़कर कितना हो गया 4 पाई, तो इसको कह दीजिए C2 हो गया आपका कितना 4 पाई। अब C2 के लिए लिखिएगा, दूसरे स्थिति में जब बढ़ गया तो उस समझिए अलग वृत्त मिला, तो अलग वृत्त के परिधि के लिए हमने C2 का प्रयोग कर दिया, तो अलग वृत्त का परिधि जब अलग होगा तो त्रिज्या भी अलग होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 पाई R2 बराबर में कितना 4 पाई। हाई पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से 2 दुना 4 हो गया, R2 का मान आपको मिला कितना 2, यहां R1 कितना है 1 है, तो R1 1 है, तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे A1, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, और पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई का मान आप मत पुट कीजिए, पाई 1 का स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा सर आंसर कितना मिलेगा पाई, वर्ग इकाई कहिए, सेंटीमीटर में माप तो है नहीं, वर्ग इकाई कह दी जब कुछ नहीं दिया है तो। आ यहाँ जब त्रिज्या आपको A2 है, त्रिज्या R2 है, तो क्षेत्रफल A2 मानिए, तो पाई आर स्क्वायर करिए, तो यहाँ समझने का प्रयास करिए कि पाई का पाई रखिए और आर का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करिए तो पाई गुणे कितना होगा 4, तो पहले क्षेत्रफल कितना था पाई, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई, यानी पहले वाला क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना हो गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस रेशियो में त्रिज्या बढ़ता है उसी रेशियो में परिधि भी बढ़ता है, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के रूप में बढ़ता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिया का व्यास कितना होगा, पहले त्रिज्या निकल जाएगा, अच्छा व्यास डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, सवाल वैसे ही है, समझने का प्रयास करेंगे। एक पहिया का 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना चक्कर लगाता है,
तो एक चक्र पर आप स्पष्ट कीजिए। अब आप सवाल को आसान करके हम समझाते हैं, ये 5 मीटर की दूरी तय करने में कितना, 10 मीटर की दूरी, ऐसे समझिए कि 10 मीटर की दूरी तय करने में एक कार के पहिया को 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितना लगाने पड़ते हैं, 20 चक्कर। समझने का फील कीजिए सर, नजदीक लाइए, डाटा को हम नजदीक लेकर आ रहे हैं। 20 मीटर का, 20 मीटर की दूरी तय करने में एक पहिया को 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप बताइए सर, आप बताइए पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता होगा। 10 मीटर की दूरी तय करने में, 10 मीटर कुल दूरी तय करने में 20 चक्कर घूम रहा है। तो एक चक्कर के लिए क्या करेंगे, इसका डाटा थोड़ा और बड़ा करने दीजिए हमको। यहां कर दीजिए 100, मान लीजिए 100 मीटर। अब आपको अच्छा समझ में आएगा, 100 मीटर की दूरी तय करने में आपको 20 चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो एक चक्कर दूरी तय करने में आपको 100 में 20 से भाग करना पड़ेगा। तो एक चक्कर में यानी कि वो कितना दूरी तय कर रहा है, 20 × 25 100 यानी कि 5 मीटर। अब समझने का प्रयास कीजिए, एक चक्कर में 5 मीटर, 2 चक्कर में 10 मीटर, 3 चक्कर में 15 मीटर, 4 चक्कर में 20 मीटर, यानी 20 चक्कर में 20 × 25 100 मीटर दूरी तय करेगा। ये आपको समझ में आ गया क्या? तो कुल दूरी में हम कुल चक्कर से अगर भाग कर रहे हैं तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल रहा है, और एक चक्कर में जब तय की गई दूरी निकल रहा है वहीं आपका परिधि होगा, और उसको पाई डी या 2πr के बराबर करेंगे तो वहां से त्रिज्या निकल के सामने आ जाएगा या व्यास निकल के सामने आ जाएगा। समझने के बाद, समझने का कोशिश कीजिए एक बार और, कम ऑन वंस अगेन। 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक पहिया को 20 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए, एक चक्कर को पकड़िए, एक चक्कर लगाने में वो कितना दूरी तय करेगा। तो 100 मीटर 20 चक्कर में, तो यहाँ समझ सकते हैं 20 चक्कर में 100 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो एक चक्कर में 100/20 यानी कितना हो जाएगा, 20 × 25 100 यानी कि 5 मीटर दूरी तय करेगा। एक चक्कर में 5 मीटर, और एक चक्कर में तय की गई दूरी ही तो पहिया का परिधि होगा, और उसको 2πr के बराबर कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पकड़िए बात को, जे 88 किलोमीटर की दूरी इतना में, तो आप कुल दूरी कितना है, कुल दूरी जो है वह है 88 किलोमीटर। इसको सबसे पहले मीटर में लेके आइए, क्योंकि मामला सभी इधर मीटर का चल रहा है। तो 88 में जब 3088 बैठा दीजिएगा तो यह हो जाएगा मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। बात समझ में आना चाहिए। तो कुल दूरी में कुल चक्कर से आप भाग करिएगा 1000 से, तो आपको निकल जाएगा क्या, एक चक्कर में तय की गई दूरी। 30 से 30 काट लीजिए, यहाँ आया सर 88 मीटर, वह निकला एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक बार आराम से और समझ लीजिए, कुल दूरी 88 किलोमीटर, कुल को मीटर में बदले तो कुल दूरी हो गया 88 × 30 यानी कि इकाई दहाई सगड़ा 1000 10000, 88000 मीटर। 88000 मीटर लगाने में 1000 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 88000 मीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 1000 से भाग किए 88 मीटर एक चक्कर में तय कर रहा है। तो 88 मीटर जो एक चक्कर में तय की दूरी है, 88 मीटर यह आपका क्या है, परिमाप है, यानी कि 2πr है या पाई डी है। मामला व्यास का पूछ रहा है तो परिधि का सूत्र हम पाई डी लिख रहे हैं, पाई का मान 22/7 और डी का डी, यहाँ 88 का 88, 22 चौका हो जाएगा 88, यानी डी बराबर हो जाएगा 7 चौका 28, 28 मीटर आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी पड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों के बीच के बलय का क्षेत्रफल बताइए सर, क्या बताइए, बलय। 2 वृत्त है, आप देखने का प्रयास कीजिए जी, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, ये लीजिए सर। जब 2 वृत्तों का केंद्र अगर समान होता है तो उसे हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ए का त्रिज्या 19 है, तो आपको एकदम अच्छा से बुझा रहा होगा, बड़का का 19 है, आज छोटका का है 16 है। तो वृत्ताकार बलय, वृत्ताकार बलय जानते हैं किसको कह रहा है, वो वृत्ताकार बलय कह रहा है इसका, इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बताना है, ई वृत्ताकार बलय इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो एक काम करिए, ई त्रिज्या को पकड़कर पूरा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, अब उसमें से ई त्रिज्या को पकड़कर ई छोटका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, अब बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल घटा दीजिए, हाई जो वृत्ताकार बलय देख रहे हैं रेड पट्टी, इसका क्षेत्रफल निकल के सामने आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पाई बड़का आर स्क्वायर, हाई मान लीजिए बड़का आर हो गया, हाई हो गया छोटका आर,
ठीक है। तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, एकदम आराम से पाई का कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में कितना छोटका आर स्क्वायर। अब देखिए सर यहाँ पाई का मान अभी रखिए, बाद में रखेंगे, आर का मान है 19 का स्क्वायर और माइनस में 16 का स्क्वायर। अब 19 का वर्ग में से 16 का वर्ग घटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ होगा 22 बटा में 7। एक बार क्या कर दिए, 16 को आप 19 को ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दीजिए, एक बार कर दीजिए 19 प्लस 16, एक बार कर दीजिए 19 माइनस में कितना 16, तो यहाँ हो जाएगा कितना 22 बटा में 7 गुणे 19 गो 16 गो 9 6 15 यानी 35 गो। यहाँ होगा सर 19 में 16 जाएगा कितना होगा 3, भाई 7 5 कितना होगा 35, यहाँ कितना हो जाएगा बता दीजिए, कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, घटाएंगे आ जाएगा 22 5 110 और 110 में 3 से गुणा करेंगे 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है वृत्तकार बलय का क्षेत्रफल। ठीक है जी, एकदम ठीक है, आगे बढ़िए। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का, चार क्वेश्चन और है, 20 क्वेश्चन ही हम रोज डिस्कस करेंगे, मात्र ओनली 20, ठीक ना, 20 नहीं 21 क्वेश्चन। चलिए जी, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके परिधियों का अनुपात कितना होगा। देखिए सर, दो वृत्त में एक R1 मान लीजिए, एक R2 मान लीजिए, जो कि 2:3 कितना है 3 है, तो परिधियों का अनुपात तो यहां कह दीजिए कितना, परिधि कैसा होगा 2πr, तो C1 अनुपात C2, तो यहां होगा 2πr1 अनुपात 2πr2। वैसे आपको हम समझा देते हैं, जितना त्रिज्याओं का अनुपात होगा उतना ही परिधि का अनुपात होगा, और जितना परिधि का अनुपात होगा उतना त्रिज्या का अनुपात होगा, आराम से। लेकिन हमारा काम है विस्तार से बेसिक से समझाना, तो हम समझा रहे हैं। दो वृत्तों के त्रिज्याओं, दो वृत्त है तो उसका त्रिज्या R1 R2 मान लेते हैं, अनुपात 2:3 है तो उसके परिधियों का अनुपात तो C1:C2, सी माने सरगम फ्रेंस, सरगम फ्रेंस माने वृत्त का परिमाप होता है, तो 2πr1 और 2πr2, 2π से 2π भाई खत्म हो जाएगा। अब देखिए R1 का मान कितना है, यहाँ बचा R1 अनुपात कितना R2, तो R1 अनुपात R2 दिया है 2:3, तो देख लीजिए सर परिधियों का अनुपात इतना ही आया, 2:3 आया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दिमाग में बैठाइएगा, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात जितना होता है उतना ही उसके परिधियों का अनुपात होता है, और जितना दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात होता है उतना ही उसके त्रिज्याओं का अनुपात होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो C1 अनुपात जो C2 दिया है वह दिया है 5:7, तो अभी अभी जस्ट आपको समझाए हैं, अभी अभी समझाए हैं, जितना त्रिज्या का अनुपात होगा उतना परिधि का अनुपात होगा, और जितना परिधि का अनुपात होगा उतना ही त्रिज्या का अनुपात होगा, तो त्रिज्या का अनुपात भी 5:7 होगा। अब क्षेत्रफल का अनुपात आपसे, जब परिधि का अनुपात उतना ही त्रिज्या का अनुपात, तो A1 अनुपात जब आप A2 करेंगे जी, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो यहां करेंगे पाई R1 का स्क्वायर अनुपात पाई R2 का स्क्वायर, एकदम आराम से पाई से पाई को काट लीजिए। R1 का मान कितना है, R1 का मान उठाइए सर 5, तो 5 का स्क्वायर, और R2 का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 50:25 अनुपात 77:49, 25:49 आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, बार बार इतना हल करने की जरूरत नहीं है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो तो उसका वर्ग कर दीजिएगा तो सर आपको कहाँ निकल जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात या परिधियों का अनुपात तो उसके माध्यम से आप क्षेत्रफलों का अनुपात सिर्फ और सिर्फ उसको वर्ग करना है, आज जब क्षेत्रफलों का अनुपात देगा, त्रिज्याओं का अनुपात पूछे या परिधियों का अनुपात पूछे तो सिर्फ और सिर्फ उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है तो उसके परिधियों का अनुपात, अभी सवाल हम समझा ही रहे थे, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा त्रिज्याओं का या परिधियों का अनुपात पूछेगा, वर्गमूल निकालिएगा, तो 5:6 कितना होगा 6, लेकिन इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, आप ध्यान से समझिए। क्षेत्रफलों का अनुपात तो A1 अनुपात A2 जो दिया है वह दिया है 25:36, एकदम आराम से। अब आपको निकालना है तो आप जानते हैं क्षेत्रफल को A1 A2 से दिखाए हैं, तो यहां कर देंगे पाई R1 का स्क्वायर अनुपात पाई R2 का स्क्वायर बराबर 25:36, क्योंकि पहले वृत्त का क्षेत्रफल
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहला वृत्त में जब क्षेत्रफल A1 है तो त्रिज्या मान लीजिए R1 है, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल A2 है तो मान लीजिए त्रिज्या R2 है, तो ये हो गया कहानी हाई खत्म हो जाएगा। और यहाँ सर R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 25 बटा 36 हो जाएगा, यहाँ पे सर स्क्वायर हटेगा, समझने का प्रयास कीजिए, तो इधर रूट चढ़ेगा और यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो एक सामने रूट चढ़ेगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, 36 का 6 होगा, और यहाँ पे R1 अनुपात जो R2 आपको देखने को मिलेगा वह 5:6 मिलेगा, तो 5:6 ऑप्शन नंबर 2 में पसर के बैठा है। मारिए और आगे बढ़िए सर, ठीक है, विस्तार से हो गया, लेकिन आप इतना काम मत करिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो वर्गमूल निकालिए, परिधि का अनुपात पूछ रहा है तो वो वर्गमूल निकालिए, त्रिज्या का अनुपात देकर परिधि का अनुपात पूछ रहा है तो सेम सेम रहने दीजिए, परिधि का अनुपात देकर त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है सेम सेम रहने दीजिए, परिधि का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है वर्ग कर दीजिए, बस यही कहानी चलना है, यही कहानी चल रहा है, यही कहानी चलेगा। चलिए सर आगे बढ़िए, 19 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:5 है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। अभी सवाल, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सर A1:A2 बराबर में 3:5 है, आपने सर बताया अभी जो त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए आपको वर्गमूल करना पड़ेगा, √3:5, सर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इतना ही छोड़ो, यही आपका आंसर होगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ये गलत उत्तर है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 3:5, तो त्रिज्याओं का अनुपात उसका सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल निकालिए, अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, अभी आपको इस तरह समझाए हैं, तो आप क्या कर दीजिए √3:5, काम खत्म। अगर आपको नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप सेम इसी प्रोसेस से आप सवाल को बनाइएगा, इस सवाल को बनाइएगा तो एकदम आ जाएगा, ठीक है जी, एकदम मस्त। सेकेंड लास्ट, एक वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, R(π+2) आपको समझाए थे, R(π+2) आज जो कि अर्धवृत्त का परिमाप है जो कि 36 के बराबर होगा, त्रिज्या बताना है तो R = R(2) 22 / कितना होगा 7 और प्लस में 2 बराबर में कितना होगा 36, तो R गुणे है, देखिए 7 × 14 = 22, 36 / 7 = 36 काट लीजिए, R = 7 को होने दीजिए 7 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B में बैठा हुआ है, ठीक है जी। आगे बढ़िए, लास्ट सवाल है, निम्न में कौन कथन एक वृत्त के लिए सत्य है, एक वृत्त के लिए सत्य है, बताइए सर, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, जी हाँ बिल्कुल सत्य है, सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समझाए थे शुरू में, सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुना होता है, जी हाँ वृत्त का जो व्यास होता है वो व्यास होता है वो त्रिज्या का होता है डबल होता है, ये भी बात सही है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री होता है, यही बात सर गलत है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह बनता है 360 डिग्री का, यह बात गलत है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन एक वृत्त के लिए सत्य नहीं है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री होता है सत्य नहीं है, यानी गलत है। सर लास्ट थोड़ा पढ़ के समझा दीजिए, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जी हाँ एकदम खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनंत, देखिए ना स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटता है, वृत्त को एक बिंदु पर काटता है तो यह असंख्य बिंदुओं से वृत्त बना है, तो असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह भी बात बिल्कुल सही है, तो गलत कौन है, यह गलत है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा, अच्छा से समझे होंगे, पढ़े होंगे, और हमने पूरा कोशिश किया है आपका समय बर्बाद ना हो और आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को समझ पाएँ। तो आपको सर यहाँ तक जुड़े रहने के लिए दिल से थैंक यू, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रोज़ शाम 6 बजे हम आपसे जुड़ते रहेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात बस इसी जगह इसी प्यारे से चैनल पे,
मुलाकात होती रहेगी और हम मिलेंगे और रोज 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चनों का डिस्कशन देखेंगे। कल ब्रीद से ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और परसों भी हम ब्रीद से ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब जाकर ब्रीद खत्म होगा, उसके बाद फिर अगला टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा भी लगा होगा मेन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा। यस सर, चलिए आप लोग जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और एकदम आप टीचर बनिए।